Assalamu alaikum everyone. My name is Riaz Ahmed and I'm a Deputy Manager Procurement at Liberty Dairy Pava. So my topic is today's conservation. ये जो लफ्ज़ conservation है इससे क्या आप लोग understand करते हैं? What is conservation? आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, conservation क्या मतलब होता है? Conservation का मतलब है किसी चीज़ को बचा के रखना, अवेलेबल है उसको कंजर्व करना, किसी को बचाना, प्रोटेक्ट करना। तो ये जो आज का जो लेक्चर है ये मतलब लिबर्टी से थोड़ा हट के है, ये आपके लिए नॉलेज के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि इस लिबर्टी के प्रीमिसेस से आप भी आगे भी एक दुनिया है, ठीक है, जिसके अंदर आप रह रहे हो, जिसके अंदर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपके नियर बाई एरिया में जितनी चीज़ें मौजूद है आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये लफ्ज़ जो है ना वो कंजर्व करना मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। अब कंजर्वेशन एक लफ्ज़ जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे डिफरेंट चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक अलग चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अलग चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक अलग चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक अलग चीज़ है। इसी तरह हर चीज़ की कंजर्वेशन है। जिस तरह आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, एक लॉ है एनर्जी का कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दुनिया के अंदर जितने भी मुमालिक हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं, वो कहते हैं कि ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस की जाए जो कि आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि ऐसे रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाए जिनकी इस्तेमाल के बाद हमें उस चीज़ की लैकनेस फील होना शुरू हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें, आप बिजली बना रहे हैं गैस से। कुछ टाइम ऐसा टाइम भी आता है सर्दियों में आप लोग गैस नहीं होती, तो वो जो रिसोर्स है ना जो जिससे एनर्जी बन रही है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसको आप अपनी घरेलू सार्फिन को और अपने कमर्शियल को दोनों की ना एक्सपेक्टेशन को आप मीटअप नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया जो है वो गई है अल्टरनेट एनर्जी पे। अब अल्टरनेट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? आपका विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, वुड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। तो वो ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिसमें अल्लाह ने आपको कुदरत में वो चीज़ आपको नवाजा है, आपने उनसे फ़ायदा उठाना है और वो एनर्जी जो है वो आपके फ्यूचर जनरेशन को काम आएगी। पाकिस्तान में हर मार्च 29 ऑफ एवरी ईयर पाकिस्तान एक डे सेलिब्रेट करता है जिसका नाम आता है अर्थ आवर, 1 घंटा ज़मीन के लिए। वो 1 घंटा ज़मीन का सेलिब्रेट करने का मकसद क्या होता है? दैट यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एज वेल टू द प्लेनेट एज वेल। आप किस तरह आप लोग करते हो? अब आपने कंपनी ने आपको घर दिया, ठीक है, अल्लाह ने आपको बिजली दी, आप लोग घर में एसी भी चला रहे हो, आप जो है ना वो पूरा घर आपका रोशन है। वो अर्थ था जो 29 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका एक मकसद होता है कि आपने एनर्जी को कंजर्व करना है, आपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। उसमें फिर क्या होते हैं डिफरेंट इनिशिएटिव लेते हैं हम लोग एज ए इंडिविजुअल। वो इनिशिएटिव क्या होता है कि हमने एक अहद करना है कि हम एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करेंगे। आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, उसका एसी चल रहा है, आपके एसी के आपके रूम के अटैच बात है, अंदर कोई यूज़ नहीं कर रहा लेकिन फिर भी लाइट चल रही है। आपका रूम है, आपने लाइट जला दी है, जॉन का रूम है उसने लाइट जला दी, सब लोगों ने अपने रूम के वॉशरूम की लाइटें सबकी जली हुई हैं, ठीक है, और आप लोगों के रूम के एसी चल रहे हैं। अब जिस तरह आप एनर्जी को कंजर्व करेंगे, मिनिमाइज उसको यूज़ करेंगे, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी, आपके आने वाली नस्लों के लिए बेनिफिशियल होगी। किस तरह आप वॉशरूम के अंदर नहीं गए, एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन लाइट जल रही है, अगर आप वो लाइट स्विच ऑफ करेंगे, ये भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एनर्जी जो है वो हो सकता है किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट तक पहुँच जाए, क्योंकि हर बंदे का एक कंट्रीब्यूशन होगा। वो शायद वो लाइट जो आपने सेव की है, जो आपने बचाई है, वो जो बाहर झोंपड़ी के अंदर बंदा रह रहा है गरीब, जिसके घर में लाइट आती नहीं है, वो जो एनर्जी आपने सेव की वो उसके घर की शायद वो लाइट जल सकती है। ये क्या चीज़ है, ये आपने एनर्जी को कंजर्व किया, आपने एनर्जी को प्रोटेक्ट किया, वो एनर्जी आगे किसी और के घर के अंदर चली, उससे अल्टीमेटली आपको भी फ़ायदा हुआ, आपके घर का बिजली कम का बिल आया और अगले बंदे के घर जो है वो रोशन हुआ। तो ये इस तरह के इनिशिएटिव जो होते हैं वो हर इंडिविजुअल बंदा जो है वो ले सकता है। अब इससे हट के आप चीज़ ने, आप लोग सुबह उठते ही ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, आप लोग ब्रश कर रहे होते हैं, दांत साफ कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली आपका पानी खुला होता है, ब्रश भी का बंदा कर रहा होता है, पानी खुला होता है, वो पानी जो ज़ाया हो रहा है अगर हम इसको प्रोटेक्ट करें, इसको हम सेव करें, यही पानी किसी और के इस्तेमाल में आ सकता है। ये अंडरग्राउंड पानी आ रहा है ना, जेर ज़मीन से पानी आ रहा है, नेचुरल रिसोर्स से आ रहा है ना। अगर खुदा न खास्ता ये अंडरग्राउंड पानी ख़त्म हो जाए तो हम इंसान की तो वजूद ख़त्म हो जाएगा ना। अब आपके सामने एग्जांपल है जोहान्सबर्ग की, साउथ अफ्रीका की, उसका अंडरग्राउंड पानी नियर टू मतलब ख़त्म होने वाला है। क्यों कि उन लोगों ने नेचुरल रिसोर्सों का इतना बुरा तरीका इस्तेमाल किया कि आज वो बंदे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। खुदा न खास्ता हमारे मुल्क पे कभी ऐसा वक्त आया कि अगर हमने एनर्जी को और उसके अलावा कोई और जो नेचर रिसोर्स अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज ना किया तो हमें भी वो दिन देखने पड़ सकते हैं। गॉट इट। ये वो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं जो हर बंदा उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो होगा आपके प्लेनेट को होगा, जो अर्थ हमारा प्लेनेट जिस पर हम रह रहे हैं उसका जो है आप लोग को फ़ायदा होगा। अब हमारा एम क्या होना चाहिए इंडिविजुअली या एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इंडिविजुअल हमने पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं आपने उनको कंजर्व करना है, आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपकी वाइल्ड लाइफ, बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर आ जाती हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। इंश्योरिंग सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द नेचर एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपने जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, ठीक है, ताकि वो अगले किसी और बंदे के काम आए। ये मैंने इनको बताया रिन्यूएबल रिसोर्स आपके कौन कौन से हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत मतलब एनर्जी के अंदर चीज़ें हैं ना। इस तरह हर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट अल्टरनेट चीज़ें हैं। अब आपके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ये जो शॉपिंग बैग लेते हैं, अगर आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ की बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये जो पॉलीथीन बैग है, जो शॉपर आप इसको ख़त्म करें, तो आप अल्टरनेट क्या चीज़ है इस्तेमाल करने की, पेपर बैग है, क्लॉथ बैग है, आप ये चीज़ तो इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके तीन फ़ायदे हैं। एक आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो पॉलीथीन होती है ना, जो शॉपर होती है, इट विल टेक मिलियन ऑफ द ईयर्स टू डिकम्पोज, हज़ारों साल लगती है डिकम्पोज होने में मिट्टी के अंदर। तो अगर हज़ारों साल जो चीज़ ले रही है अपने आप को डिकम्पोज करने के लिए, तो उसका इन्वायरमेंट पे और हमारी हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। प्लास्टिक का यूज़ दुनिया में ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन हम अभी भी प्लास्टिक के यूज़ पे चल रहे हैं। हमने इसको ख़त्म करना है, हम अल्टरनेट चीज़ों पे जाना चाहिए ताकि ये प्लेनेट भी प्रोटेक्ट हो, आप लोग प्रोटेक्ट हो। आप लोगों की जो ड्रेनेज ब्लॉक होती है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, पॉलिथीन, क्योंकि पानी उसको कुछ करता नहीं, वो एक जगह फंसी रहती है, पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। एंड ऑफ द डे वो आपकी जो है ना वो लाइनेज भी ब्लॉकेज होती है, हम परेशान हो रहते हैं, रोडों पर पानी बिखरा पड़ा होता है। अच्छा, प्रोमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजप्शन, इससे क्या मुराद है आपका? वेस्ट है ना, उसको आपने रिड्यूस करना है, ठीक है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। आप अगर जिस तरह भी हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है कि हमने एनर्जी को कंजर्व करना है ना, या फ्यूल को हमने कंजर्व करना है, उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल को कम यूज़ करने के लिए, अब देखिए गाड़ी पेट्रोल पर चलेगी, उसके दो एस्पेक्ट है, आपका पेट्रोल कंज्यूम हुआ, उसने धुआं छोड़ा, आपका पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। दूसरा कि इंसान की अपनी हेल्थ पर इम्पैक्ट क्या है, अगर यही बंदा पैदल चल के वहाँ तक जाता तो उसकी हेल्थ मेनटेन होती, लेकिन गाड़ी पे गया, उसने फ्यूल कंज्यूम किया, पोल्यूशन में, तीन एक चीज़ें हम अपने साथ कैरी करके ले गए। तो कंपनी क्या किया कि हमें एक अल्टरनेट एनर्जी पे लेके हमें खड़ा कर दिया, उन्होंने हमें दे दिया ईवी मोटरसाइकिल्स, तो आप इसको यूज़ करें। और इससे क्या होगा कि इसके आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट होगा, आपकी रिसोर्सेज यूटिलाइज होगी प्रॉपरली, और थर्ड आप उन्होंने क्या कर दिया इन्वायरमेंट के साथ उन्होंने मर्ज कर दिया कि आप इन्वायरमेंट का हिस्सा है, आप इसके अंदर जो रहते हुए अपने आप को इससे इंटरलिंक करें। अच्छा, दुनिया के ना 6 बड़े गोल्स हैं, ठीक है, 6 बड़े गोल्स हैं। एक, आपने ओशन को कंजर्व करना है। दूसरा, आपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। थर्ड, आपने वाटर को कंजर्व करना है। फोर्थ, आपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। चौथा पांचवा क्लाइमेट एंड एनर्जी को आपने कंजर्व करना है। थर्ड, आपने फूड को करना है। अब ये जो 6 चीज़ें हैं ना, इनके आपके लाइफ के अंदर वो बड़ा इम्पैक्ट है, वो बड़ा इम्पैक्ट है। आप इनमें से कोई एक उठाएं चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, आप कोई एक आप उठाएं इसमें चीज़। क्लाइमेट एनर्जी वो तो अभी जनरल बता चुका हूँ मैं। इसके अलावा नहीं, वाइल्ड लाइफ। पाकिस्तान के अंदर 4 प्रायोरिटी स्पीशीज़ हैं जो दुनिया से ख़त्म हो चुकी हैं, दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, जिसका एक्सपीरियंस आप लोग कुछ अर्से में या कुछ अर्से में आप लोग कर चुके हैं और आइंदा फ्यूचर में आप लोग करेंगे। ये इसको कहते हैं इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है। ये है स्नो लेपर्ड, ये है ग्रीन वल्चर्स, ये है सी टर्टल्स। ये वो स्पीशीज़ हैं दुनिया के अंदर जिस पे पाकिस्तान आजकल काम कर रहा है, जिसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे प्लेनेट के ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है। ये जो इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है, ये दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती सवाए पाकिस्तान के अंदर, और ये देख नहीं सकती। इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों नहीं देख सकती? कोई एक रफ आइडिया बताएं मुझे। आंखें नहीं होगी। आंखें थी, खत्म हो गई। अब हमारे पानी के ब्लाइंड हो गए, हमारे पास अमूदा पानी। आप देखें, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन दरिया सिंध के अंदर ये तोसा से लेकर आप सक्कर बराज का जो एरिया है, ये फ्रेंच है जिसमें ये पाई जाती है। इसके अपने थ्रेड्स हैं। एक सबसे बड़ा थ्रेड जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज का जो पानी आता है, जो केमिकल वाला, वो ड्रेन होता है हमारे इंडस रिवर के अंदर। सेकंड, एग्रीकल्चर वेस्ट, आपका ये जो आप लोग चीज़ें उगाते हैं ज़मीनों के अंदर, उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, वही वेस्ट आपके दरियाओं के अंदर जाता है। अब दरिया में बहुत सी मखलूक़ात पाई जाती हैं, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन उसमें, फिशेज उसमें हैं, अदर मैमल्स उसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन को। एंड थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशल और मोस्ट, जिसे कहते हैं ना, एक अलार्मिंग एक थ्रेट है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, दैट इज अ रेप, ह्यूमन रेप। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन का ह्यूमन रेप होता है पाकिस्तान के अंदर, ह्यूमन रेप होता है। रेप किस तरह होता है? ज्यादती करते हैं। ये बहुत बड़ा थ्रेट है, ये इस पर बहुत बड़ी एक रिसर्च हो चुकी है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, आप ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप गूगल कीजिएगा, ये वो चीज़ें हैं जो जिसका इस पर इम्पैक्ट आ रहा है और ये पाकिस्तान से ख़त्म होती जा रही है। किसी ज़माने में इसकी जो क्वांटिटी थी इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन की, या आपके स्ट्रेच के अंदर 4000 नंबर थे, अब ये रिड्यूस होके 100s के अंदर पहुँच चुकी है। कहाँ 1000, कहाँ 100s, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा थ्रेड, और ये मूवमेंट करती है। अब ये अंधी है, तो ये मूवमेंट किस तरह करती है, कोई आइडिया? इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन मूव किस तरह करती है? हाँ, मूव किस तरह करती है, उल्टी चलती है। अल्लाह ने इसके दिमाग में एक सिस्टम रखा है जिसे कहते हैं सुनार सिस्टम। जिस तरह ये चमकादड़ होता है ना बैट, वो एक आवाज़ को आवाज़ निकालते हुए आगे एक चीज़ में टकराती है दीवार के साथ, उसको पता है कि आगे दीवार है, तो अपने आप को पोजिशन को डाइवर्ट कर लेता है। तो गॉड इट गिवन हमारा सोनार सिस्टम जो उसको रिफ्लेक्ट करता है कि आगे एक दीवार है, आगे एक बैरियर है, तो अपनी पोजिशन को वो डाइवर्ट होकर अगले चीज़ों में निकल जाती है। तो ये मूवमेंट करती है थ्रू सोनार सिस्टम, और उसी की वजह से ये आगे मूवमेंट करती है, आगे रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। इको सिस्टम पे करती है, इको मतलब जो एक आवाज़ उसकी सुनार सिस्टम उसके थ्रू मूवमेंट करती है। सेकंड है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना वो है ह्यूमन हंटर्स। अब मैं आपको एक चीज मिसाल बताता हूँ। 2003 के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ना, उसमें जो थ्रेट था ना वो था आपका स्नो लेपर्ड को। तो थ्रेट क्या था कि पहाड़ी इलाकों में लोग क्या कहते हैं, लोग रहते हैं नीचे पहाड़ों के ऊपर, मेजोरिटी जो कम्युनिटी वो नीचे रहती है ताकि इजीली एक्सेसिबल हो, मार्केट का आना जाना, ऊपर से बंदा हर टाइम उतरेगा भी ना, तो नीचे ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, उधर उनकी मूवमेंट होती है, उधर ही वो जो है ना वो खाना पीना आना जाना ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ना। तो स्नो लेपर्ड क्या करते हैं वो, देखिए स्नो लेपर्ड को अपनी अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुराक की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है स्नो लेपर्ड ऊपर पहाड़ से उतर के आता है नीचे ज़मीन पे। अब ज़मीन पे जब पहुंचता है ना तो वहाँ पे उसको फूड के लिए तौर पे मिलता है क्या, फिश नहीं, मतलब कैटल्स, लोगों की जो मवेशी पाली होते हैं ना, मतलब बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस जो पाला होता है, ये उन पर करता है अटैक। तो अटैक करता है तो अटैक की उसके रिएक्शन में क्या होता है, गाँव देहात वाले कहते हैं कि इसको मार दो तो बेहतर ही है कि हमारे गाँव में भैंसों का नुकसान कर रहा है, तो बेहतर है किसी को मार दिया जाए ताकि हमारा नुकसान तो ना हो। फिर UNDP यूनाइटेड नेशन फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक स्कीम लॉन्च की कि लेट दिस वाइल्ड लाइफ शुड रिमेन इन इट्स बायोडाइवर्सिटी, उसी को उसी अपने एनवायरनमेंट में रहने दें, लेट्स कम विद सोल्यूशन। उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया, उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी से बात की, उन्होंने कहा जी आप जो है इनको मारें ना, आप इनको हंट ना करें, वी विल गिव यू मनी, वो किस तरह आप पैसे देंगे आपको, आपके हम जानवर हैं वो इंश्योर कर देंगे। अल्टीमेट उनका मकसद क्या था कि हमें पैसा, हमारे मतलब जो जानवर जो ज़ाया हो रहा है, जिसको मार के खा रहा है वो फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितनी कैटल थी उनको उन्होंने क्या किया, इंश्योर किया, कंपनसेट किया। अब जब भी ये खा के चला जाता था वो रिपोर्ट करते थे, उनको इंटरनेट उनको पैसे मिलते थे। तो क्या हुआ, लोगों ने स्नो लेपर्ड को मारना बंद कर दिया, अब वहाँ पे हंटिंग रेट 0 है। तो ये बहुत बड़ा एक वो था जिसे कहते हैं कि वो एक सक्सेस स्टोरी थी कि अब हंटिंग वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 0 है, क्योंकि उनको कम पाकिस्तान ने और इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेट किया। थर्ड वन है वल्चर्स। आप लोगों ने किसी ज़माने में ये वल्चर देखते होंगे अपने इलाके के अंदर, लेकिन अब नहीं है। वजह वल्चर का खाना ये होता था वेस्ट फूड, जो वेस्ट मीट जो, हाँ, इसका मतलब क्यों ही खत्म हो गए हैं? फूड नहीं है, फूड है तो हर जगह पॉल्यूशन की वजह से बड़े वो वल्चर की इस एक्सटेंड होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो, किसी ज़माने में वल्चर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन अभी जो है ना हम इसकी कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और ये सिर्फ पाकिस्तान में 2 इलाकों मौजूद हैं। एक आर्टिफिशियल इनकी जो वो इसकी ब्रीड को बढ़ाया जा रहा है वो है छांगा मांगा में, ठीक है। और सेकंड वल्चर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं नंगर पार्कर, थर पार्कर के अंदर। वो ये नेटिव वल्चर्स नहीं है, वो है इजिप्शियन वल्चर्स, वो किसी इलाके से ट्रैवल करके वहाँ पे हैं, लेकिन वो नेटिव वल्चर्स नहीं है। नेटिव वल्चर्स ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म किस तरह हुए, इनके जो खुराक है ना, इनका जो फूड है बेसिकली वो है डेड एनिमल्स। ये जिंदा चीज़ों को नहीं खाता, ये मुर्दार चीज़ों को खाता है, मतलब जो चीज़ें मर जाती हैं, जो पड़ी होती हैं। और ये इसको कहते हैं जी इन्वायरमेंट क्लीनर। अगर अब हमारे इलाके में अगर गाय भैंस या मर जाती है, हम उठा के उसको रोड में ज़मीन के फेंक के चले जाते हैं, उसके 2 नुकसान हैं। एक, वो जो वहाँ पे जानवर पड़ा हुआ है ना वो कुछ टाइम में डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, ख़त्म होना स्टार्ट होता है। उसमें 2 चीज़ें, एक उससे जो स्मेल, एक तो आपका एनवायरनमेंट पोल्यूट हो गया, स्मेल आना स्टार्ट हुई, उसके ऊपर जिन जिन चीज़ों ने अटैक किया, डिकम्पोजर ने अटैक किया, और डिफरेंट जो है ना वो जो इंसेक्ट उन्होंने जन्म लिया, उसमें से मक्खियाँ ये मक्खियाँ हुई बैठी, वो फिर आपके फूड पे आके बैठी, आपको बीमार किया, आपके बच्चों को बीमार किया, अल्टीमेटली ह्यूमन डेथ पे वो बात पहुँची। अगर आज वल्चर्स पाकिस्तान में होते तो डेड एनिमल जो आप बाहर फेंक के आते ये उनको खाना खाते, ठीक है। पहले ज़माने में लोगों ने क्या किया, ये जो आपके भैंस वगैरह बकरियाँ वगैरह होती थी बीमार होती थी ना, तो आप वेटनरी डॉक्टर को लेके आते थे, वो कहते थे मेरी जो ना गाय को या भैंस को ना पेन है, तो डॉक्टर क्या करता था, उसको ना एक इंजेक्शन देता था जिसको कहते थे डाइक्लोफेनिक सोडियम, एज ए पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते ना। डाइक्लोफेनिक सोडियम जब उस गाय को लगता था ना, कुछ अरसे बाद वो गाय मर जाती थी या भैंस मर जाती थी ना, तो उसको ये वल्चर खाते थे। अच्छा, डाइक्लोफेनिक सोडियम इतना खतरनाक है, पेन किलर है कि गाय मरी हुई गाय को भी तो मर गई, लेकिन जब इन्हीं वल्चर्स ने मुर्दा चीज़ों को खाया, ठीक है, मुर्दा चीज़ों को खाया, खाने के बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक हो गया, ख़त्म हो गया, अल्टीमेटली ये भी मरना स्टार्ट हो गए। जब ये मर जाएंगे तो आपका इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। आज डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है पाकिस्तान में बैन है। कहाँ बैन है ये सब? नहीं वो तो देखिए, अब हर चीज़ अल्टरनेट तो पाकिस्तान ढूंढा है, लेकिन बैन है ये जितनी टैबलेट्स हैं ये। नहीं ह्यूमन डाइक्लोफेनेक उसकी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जानवरों वाली ह्यूमन में तो यूज हो रही है, ह्यूमन में इस्तेमाल है ना, केफ्लैम वगैरह ये सारे वो है। डाइक्लोफेनेक सोडियम पाकिस्तान में जानवरों में बैन है, जानवरों में बैन है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम अपने जानवर को पेन तो नहीं देख सकते हैं, तो उसके डिफरेंट और मेथड्स हैं, तो आप जो है ना वो उसको करें। अब आखिर ये ग्रीन टर्टल्स, ग्रीन टर्टल्स किसी ज़माने में आपका जो साहिल समंदर है ना, कराची वाला जो बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट, वहाँ पे ये नेस्टिंग के लिए आते थे। अब ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है आपके समंदर के ऊपर, ये दूर से देखते हैं कि वहाँ पे लाइटें जल रही हैं, इट्स मीन वहाँ पे ह्यूमंस हैं, तो इन्होंने आना बंद कर दिया। अब ये मूव करते हैं मालदीव, बांग्लादेश और दुबई साइड पे। दुबई बहुत कम हो गया, मालदीव में बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर नेस्टिंग करते हैं। अगर जिस दिन इन्होंने ये ख़त्म हो गए ना आपके ग्रीन टर्टल्स, उस दिन आप लोग समंदर के अंदर नहीं जा पाएंगे। वजह क्यों नहीं जा पाएंगे? समुद्र में इंसेक्ट्स वगैरह वो खाते हैं। इंसेक्ट्स नहीं, इसके अलावा भी है, मैग्नीशियम वगैरह कम करते हैं। हाँ मैग्नीशियम भी है। ये जो आपके जो मरीन ग्रास है ना, मरीन ग्रास ये उसको खाते हैं। ये अगर ये मरीन ग्रास को ना खाए ना, तो इंसान उसके साथ अपनी मूवमेंट ना कर सके, ये शिप वगैरह ना चल सके। देखिए शिप के नीचे भी मोटर लगी होती ना, तो एक पंखा घूम रहा होता है जिसको मूव करा रहा था, अगर वो पंखा ही स्टक हो जाए तो कैसे मूव करेगा? जिस तरह का स्टारफिश जो है वो तंग करती है इनको। हाँ स्टारफिश काफी ऐसे एस्पेक्ट बहुत है, स्टारफिश की जाली फंस जाती है। अगर हमने इनको प्रॉपरली उस पर हमने काम नहीं किया तो हम ये 4 स्पीशीज जितनी भी आपको दिख रही है पाकिस्तान के अंदर ना, ये ख़त्म हो जाएगी। तो इनका हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा चेंज है हमारे ऊपर। एजुकेशन अवेयरनेस, आपने लोगों को एजुकेट करना है कि आप लोगों को एजुकेशन देंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस देंगे चीज़ों के बारे में, ठीक है। उसमें आपने एजुकेट किसको करना है, वो थ्योरी कहती है कि आपने एजुकेट करना है यूथ को। यूथ को आपने एजुकेट कर दिया, इट्स मीन कि आपने सब कुछ कर दिया, बिकॉज यूथ की इंटरवेंशन आपके इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूथ, आपके कॉलेज के अंदर यूथ, आपके बाहर प्ले ग्राउंड के अंदर यूथ, ठीक है। यूथ जो है ना वो कम्युनिकेशन के अंदर इस टाइम सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेट है, कम्पेयर टू द 40s 50s से आगे जो लोग हैं ना, उनकी बात ज़्यादा जल्दी सुनी जाती है। एक ऐसा वक्त भी आता है कि आपके वालिदैन कहते हैं कि मैंने अपने बड़े बेटे के ऊपर सब चीज़ छोड़ दी। इसकी वजह क्या है कि उसका जो इम्पैक्ट है ना माशरे के अंदर वो ज़्यादा है। तो जितना आप यूथ को एम्पावर करेंगे, जितना आप यूथ को एजुकेट करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? Why do we all need? Why dangerous for mangrove? How can we protect them? मैंग्रोव है क्या? ये देखो, ये क्या है? ये सावन है या कोई वन है रे, और क्या मैंग्रोव पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की कुदरत के वो एक देन है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को सुनामी से प्रोटेक्ट करके खड़ा हुआ है। मैंग्रोव एक ऐसा ट्री है जो आपके कोस्टल बेल्ट पे, जो आपके साहिल समंदर का जो स्ट्रेच है, मकरान कोस्टल, कराची बेल्ट, सुमियानी और केटी बंदर, ये वो इलाके हैं जहाँ पे आपकी ये ये यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, अब ये देखिए वो सामने थे, जीवनी, गवादर, पसनी और माड़ा, सुमियानी, कराची, डस, ये देखिए सर स्ट्रेच गवादर, ये पूरा इलाका जो है ना आपका, ये आपका एज अ डिफेंस है। अगर आपने यहाँ से मैंग्रोव हटा दिए, सामने से जो ग्रीन ग्रीन आपको, अगर आपने यहाँ से मैंग्रोव फॉरेस्ट हटा दिए, आपके सामने एग्जांपल्स हैं जापान की, आपके सामने एग्जांपल है श्रीलंका जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है। जब सुनामी आया था इन ममालिक के अंदर, तो ये मुल्क जो है ना 100% ख़त्म हो चुके थे उस एरिया से, क्योंकि वो पूरा पानी समंदर का, पूरा समंदर उनके शहरों में था, बिल्डिंग्स, घर, सब कुछ तबाह हो गया था। कल अगर हमने मैंग्रोव पे काम नहीं किया और इस कोस्टल बेल्ट पर हमने काम नहीं किया, तो ये अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में सुनामी आता है, तो वो पाकिस्तान का पहला शहर जो होगा कराची, जो आपका एक इंडस्ट्रियल हब है, पाकिस्तान का हब है, इकॉनमी का हब है, अगर पाकिस्तान का कराची कुछ और इसमें पाकिस्तान इकॉनमी विल बी कोलैप्स। तो हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर काम करना है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपकी सुनामी की शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी रूट्स के अंदर अल्लाह ने पावर रखी है, वो उसकी शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं सुनामी की। आपको पहले ही बताते हैं कि सुनामी आ रही है, और जो सुनामी की शिद्दत होगी ये आपके डिफेंस दीवार के तौर पर आगे खड़े होंगे, पहले उनको हिट करेगा, देन आप बस कराची आएगा। जितनी ज़्यादा आपकी मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा, इतनी आपकी वॉल ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, समंदर आगे आगे नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह होता है मैंग्रोव। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर 70 ऐसी स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान की मैंग्रोव के अंदर जो पाकिस्तान में पाई जाती है, लेकिन वेल रिनाउंड जो स्पीशीज़ हैं वो है एवेसिना 70%, राइजोफोरस 25%, स्नोरोपस 4%, एरेगिरस 1%। ये वो स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाई जाती हैं, और इसी पे हम काम कर रहे हैं कि इनको प्रोटेक्ट करें, इनको ग्रो करें। जितनी ज़्यादा हम इसकी ग्रोथ में करेंगे आगे, इतनी ज़्यादा जो है ना हम वॉल ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट करते जाएंगे। और ये जो है मैंने जिस तरह बताया ना मैप के अंदर कि ये सुमियानी, गवादर, पसनी और माड़ा, कटी बंदर, जीवनी, ये इसकी हमारा कोस्टल बेल्ट है जो बलूचिस्तान स्ट्रेच है, ये बलूचिस्तान, सिंध और लोअर सिंध, ये जो आपका कटी बंदर का इलाका है। ये देखिए इसके रूट्स कैसे हैं बाहर, इरेक्टेड रूट्स हैं इनकी। इसमें फिर फिशेस की शेल्टर भी होती है, क्रैब्स की भी होती है, फूड भी यहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। ये देखिए ये रूट्स हैं इनकी। द मैंग्रोव गिव क्लियर वाटर सो दैट कोरल एंड ट्रैपिंग डर्ट एंड क्लीन वाटर बाय फिल्ट्रेशन। अच्छा ये कुदरती फिल्ट्रेशन भी है एक मैंग्रोव, ठीक है। रिमूविंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स, समंदर के अंदर शॉपर आ गई, पॉल्यूटेंट जितने भी है वो उसको यहाँ पे रोक लेते हैं। ये किस तरह अल्लाह ने कुदरत में बनाए हुए मैंग्रोव्स को। Why do we need mangroves? Mangrove protect human settlement from storms and cyclones, जो मैंने बात की है, ठीक है। Coastal communities need the mangrove for their nature protection. वही बात, मैंग्रोव अगर होते तो ये पानी उनके घरों में तक ना पहुंचता। इनकी लाइफ स्टाइल मतलब वो ना होता, डिस्टर्ब ना होता। ये लोग इस तरह अपने बच्चों को घर पर छोड़ के वो घरों को ना निकलते। द एरिया वेयर देयर इज नो नेचर प्रोटेक्ट मैंग्रोव और वॉश्ड ऑफ। ये आपके सामने है, देखिए पिक्चर जापान, देख ले आपके सामने है कितने घर है, हरियाली आपके सामने देखिए, आप कंक्रीट पड़ा हुआ है। Although कि उन्होंने अपने को बिल्ड किया, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, दोबारा इन्होंने आपको डेवलप किया, आज वो जल्दी इन्होंने रिकवर किया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पर अगर ये आफत आ जाए तो अब इतना हम जल्दी रिकवर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी मतलब ये कि वो इस तरह के आपका वो ममालिक हैं, हम डेवलपिंग स्टेज पे, डेवलप भी नहीं डेवलपिंग है, हम तरक्की कर रहे हैं। जो लोग वो कर चुके कि आगे स्टेप पे हैं, और हम नहीं है, अंडर डेवलपिंग है, हम डेवलपिंग है, मैं अंडर डेवलपिंग नहीं कहते, डेवलपिंग में हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं कि अगर खुदा न खासा पे कोई भी आफत आती है तो हम कुछ ना कुछ कर सकें, कोई ऐड ले सकें। ये देखिए सारे होमलेस हो गए। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सुनामी आया ठीक है। ये होमलेस और प्रीतम विलेज, ये केटी बंदर का इलाका है, सारे समंदर पे है। ये माइग्रेशन मेरो दाबलो विलेज, केटी बंदर, ये मैंग्रोव्स हैं। देखिए हर चीज़ का उसका ना, स्मॉल फिशेज, लार्ज फिश, हर चीज़ का ये फूड है। ये देखिए ये उसके वो हैं स्पीशीज हैं, fish, crab, and other species need mangrove to survive as they provide the nurseries and breeding ground. मैंग्रोव जो है इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड के रियलिटीज़ को भी फुलफिल कर रहा होता है, ये इनकी ब्रीडिंग करवा रहा होता है, ठीक है। ये आपके जो क्रैब्स, ये लोग जो है ना ये सी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये केकड़े वगैरह जो है ना लॉबस्टर वगैरह ये लोग खाते हैं, सी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी ब्रीडिंग नहीं होगी तो आपकी फूड कहाँ जाएगा, आपकी जो ह्यूमन नीड है, फूड है, सी फूड, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा। देखें जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे ये जंगलात होंगे, आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ेगी। मतलब बेतहाशा परिंदे, बेतहाशा मतलब इंसेक्ट्स, मतलब जो कुदरत है वो आपकी ना आप मेहरबान होगी। हरियाली होगी तो परिंदे होंगे, हरियाली होगी तो परिंदे कहाँ से आएंगे, ठीक है। देखिए व्हाट इज डेंजर फॉर मैंग्रोव्स, ग्रेजिंग ऑफ गोड्स, हमने जंगलात के अंदर भैंसे वगैरह छोड़ दी, वो उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, एक थ्रेट है। प्लास्टिक बैग उसके रूट्स पे चिपक गई, रूट्स को एक्सटेंड नहीं करने दिया, बढ़ने नहीं दी, थ्रेट है। स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, एल्गल अटैक्स, एल्गल अटैक्स क्या होते हैं, ये जो एल्जी वगैरह होते हैं, ये अटैक्स, ये थ्रेट है। नेचुरल डिजीजेस, नेचुरल डिजीज की तरह दरख्तों को भी बीमारी लगती है ना, आपने पानी के अंदर ऑयल स्पिल हो गया, उससे डिफरेंट बीमारियाँ हुई, वो ऑयल की स्पिल जो है पानी के अंदर मिक्स होते हुए मैंग्रोव फॉरेस्ट तक पहुँची, अल्टीमेटली मैंग्रोव फॉरेस्ट भी उसका भी बीमारी का शिकार हो गया। इस तरह तेला लग जाता, तेला बायोलॉजिकल। कमर्शियल यूज बढ़ गया है, इसकी लकड़ी को लोग काट काट के जलाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंग्रोव्स को टर्माइट लगती है नहीं, मैंग्रोव टर्माइट लगती है, सारे होते हैं पानी के अंदर, टर्माइट पानी के कुछ जगह पर लगती है, टर्माइट नहीं लगती। मैंग्रोव फॉर फायर, फ्यूल, फूडर, कंस्ट्रक्शन एंड चारकोल, कोयला बनाने में आपका मैंग्रोव का इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन करो, लकड़ी के तौर पर लोग बनाते हैं, फूडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका डिफरेंट लोग जो है ना इसको डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलात को आराम से ख़त्म करते जा रहे हैं। जब ये ख़त्म हो गया इट्स मीन वही आपका जो मैंने बताया कि अगर खुदा न खास्ता सुनामी आया तो हमारे पास प्रोटेक्शन कोई भी नहीं बचेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्बन हट्स एंड अर्बनाइजेशन, लोग जो हैं वो यहाँ पे आके आबादी स्टार्ट कर दी, शहर बसाना स्टार्ट कर दिए, कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, अपने हट बना के बनाना स्टार्ट कर दिए, तो ये भी बहुत थ्रेट है मैंग्रोव को। केमल ग्रेज ऑफ मैंग्रोव ने प्रॉपर पैटर्न, ये देखें ऊपर दिंजा हो गया, उधर देखें सामने तो मैंग्रोव खड़ा हुआ है, थ्रेट है। नीचे वाली लेयर को पानी रोकने के लिए है नहीं, टॉप पे है, तो कहाँ से पानी रुकेगा। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ऑल द मैंग्रो, डिवेलप अ नर्सरी, छोटी छोटी नर्सरियाँ बनाएं, इनको ग्रो करें। सपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट, डिफरेंट इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ें, फंड्स दें ताकि इसको इसकी कंजर्वेशन के अंदर इंक्रीज हो। सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आप जो हैं वो लोगों को एजुकेट करें। राइजिंग अवेयरनेस एंड वर्कशॉप्स, लोगों की वर्कशॉप अरेंज करें कि लोगों को बताएं कि इसकी क्या अहमियत है। देखिए ये वो तस्वीर शेयर की जो मैंने कल एक्टिविटीज कराई हुई है, वो है स्कूल के बच्चे। ये देखिए मैंग्रोव पर फॉरेस्ट लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। मैंग्रोव में ग्रो नहीं कर सकता है, सारी पट्टी जगह कोस्टल बेल्ट है। सक्सेसफुल रेफर 400 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन कराची सैंडस्पेड, 400 हेक्टेयर पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, कराची के साहिल समंदर पे। ठीक है। इससे ये सिर्फ कराची की बात हो रही है, गवादर जिमनी वो अलग है और गेडी बंदर का इलाका अलग है। व्हाट कैन वी डू? लेट अस प्लान एंड प्रोटेक्ट द मैंग्रोव सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट अस। हम इनको प्रोटेक्ट करें, कल हमें ये प्रोटेक्ट करेंगे। थैंक यू। ये सब पाला का से मुद्दा है। अच्छा।